अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ एक चमत्कारी और आसान सा इस उपाय के साथ, जिससे दो लोगों को हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है। सुई और कागज़ के माध्यम से कैसे किसी भी दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आप एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से नफ़रत दोनों लोगों में करवा कर एक दूसरे से ज़िंदगी भर के लिए खिलाफ कर सकते हैं। छोटा सा ये उपाय किसी भी दो लोगों को अलग करने के लिए काफ़ी है और जिस भी दो लोगों को आप एक दूसरे से दूर करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे इस उपाय के माध्यम से, तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए दोनों लोगों में नफ़रत हो जाएगी और दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इतना सिंपल सा ये उपाय है। आइए चलते हैं इस उपाय की तरफ, किस तरीके से आपको उपाय करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे दोनों लोगों में नफ़रत होगी और हमेशा के लिए दोनों लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इस उपाय के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान से देखिए करना किस तरीके से है। सबसे पहले आपको जिस भी दो लोगों को अलग करना है उनका लिखना है नाम, यानी कि किस तरीके से, अच्छी तरीके से समझिए। एक का तो नाम है उसमें रीना, प्लस माँ का नाम जिसको अलग करना है। दूसरे का नाम है मीज़ान प्लस माँ का नाम, ठीक है, मीज़ान। उसके बाद आपको चारों तरफ क्रॉस, बीच में मनुच्चारण का साइन। ये बहुत ज़रूरी होता है दो लोगों को अगर आप अलग करना चाहते हो उसके लिए। और नौ कॉलम का बॉक्स, अब चलिए इसके बाद सेवन 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 और यहाँ पर सिक्स 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 सिक्स। ऐसा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय के माध्यम से आपको बताऊंगा दो लोगों को अलग कैसे किया जाता है। तो सुई लीजिए और इस अ को आर पार इसके कर दीजिए, जैसे कि आप जानते हैं इधर इसके हमने आर पार कर दिया ये, ठीक है, ये सुई को। अब आपको इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि ये जो सुई है ना आप देख सकते हैं ये आधी अंदर है। इसको किसी भी तरीके से फोल्ड करके इसको आप ज़मीन के अंदर या फिर चलते हुए पानी में आप बहा दीजिए। जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहोगे वो दोनों लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और दोनों लोगों में नफ़रत पैदा हो जाएगी, जिससे दोनों की नफ़रत इस कदर बढ़ जाएगी इस उपाय को करने के बाद कि दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, खिलाफ़ हो जाएंगे। तो इस उपाय कीजिए, फ़ायदे लीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।